एनसीईआरटी की तर्ज पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा नए शैक्षणिक सत्र में छठी से बारहवीं तक का 30% पाठ्यक्रम घटाया जाएगा। बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि एनसीईआरटी और स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच समझौते के अनुसार बोर्ड को एनसीईआरटी निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना होता है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 2024-25 के नए शैक्षणिक सत्र में बोर्ड ने भी 30% सिलेबस घटाया है और पाठ्यक्रम से घटाए गए विषय के आधार पर ही आगामी नीट और जेईई जैसी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। सिलेबस हमने लगभग सारी कक्षाओं का कम किया है। एनसीईआरटी ने जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो उनकी किताबें आती हैं उसमें उन्होंने सिलेबस कम किया था, तो बोर्ड भी क्योंकि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को फॉलो करता है तो हमने भी उसी प्रकार से 30% सिलेबस कम कर दिया। हमारी जो नीट और जेई की जो टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, एनटीए जिसको बोलते हैं, वो भी जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस है उसी को फॉलो करेगी, यानी कि रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ ही वो परीक्षाएं की जाएंगी। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन जी। विपिन, प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, ये पाठ्यक्रम कब से लागू होगा और नीट और जेईई जैसी जो परीक्षाएं हैं इस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? जी बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर अपने सिलेबस में 30% की कटौती कर दी है। जी, बोर्ड की ओर से जारी पुरानी पुस्तकों में से सिलेबस हटाने की शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी है। इस दौरान बोर्ड ने 6वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम से जहाँ कई अध्यायों को पूरी तरह से काट दिया है, वही कई ऐसे अध्याय भी है जिनमें से पृष्ठ संख्या को ना पढ़ाने के निर्देश स्कूल प्रबंधकों को दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए नई पुस्तकें जो है प्रिंट करवाई है और इन पुस्तकों में पुरानी पुस्तकों की अपेक्षा 30% सिलेबस जो है वो कम है। नई प्रिंट करवाई गई पुस्तकों को शिक्षा बोर्ड की ओर से सूबे के विभिन्न स्कूलों में जो है भेजने की तैयारी चल रही है और इन पुस्तकों में पहले प्रिंट की गई पुस्तकों की अपेक्षा 30% जो सिलेबस है वो अब कम कर दिया गया है। जी जी विपिन, 30% जो सिलेबस कम हुआ है, इसके बाद किस तरह का जो है वो प्रदेश में शिक्षा में किस तरह का असर इसका रहने वाला है? जी साफ तौर से क्योंकि आप 6वीं से 12वीं तक जो 30% की कटौती की गई है इसमें हम बात करें तो खासतौर से जो जेई और नीट की परीक्षाएं जो होती है आप उससे भी कटौती जो है वो देखने को मिलेगी और छात्रों को अब 30% सिलेबस कम होगा, जिससे छात्रों को कई चिंता भी होगी क्योंकि उन्हें अब कम के माध्यम से ही जो भी परीक्षाओं के जो है वो मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो काफी पूरे प्रदेश भर में या सूबे में इसका व्यापक असर जो है शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जी विपिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।